बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन से करीब 15,000 यात्री फंस गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सड़क दोबारा चालू करने में 2 दिन तक का वक्त लग सकता है। सड़क का करीब 150 मीटर का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। यात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोटी, कर्णप्रयाग, गोविंद घाट और बद्रीनाथ में सुविधाजनक जगहों पर ठहरने को कहा गया है। तमिलनाडु और बिहार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान अब तक 6 यात्री जान गंवा चुके हैं। जोशीमठ से करीब 8 किलोमीटर दूर विष्णु प्रयाग के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। ये वही जगह है जहां साल 2015 में भी भूस्खलन हुआ था, तब भी ये रास्ता करीब 1 हफ्ते तक बंद रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।